हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे भविष्य में जाने की। जी हाँ, आज से तकरीबन 10 साल बाद यानी 2030 में आज के मौजूदा हालात, भारत के पिछले सालों की प्रोग्रेस और चल रहे प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करके हम आज ही कोशिश करेंगे ये जानने की कि कैसा हो सकता है भारत 2030 में और कैसा होगा हमारे लिए हमारा आने वाला भविष्य। तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि हम कुछ ही समय में अभी चल रही महामारी यानी कोरोना वायरस से निजात पा लेंगे और फिर शुरू हो जाएगी हमारी आम जिंदगी। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस महामारी का असर भले ही ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक भारत पर भी होगा। अभी तो फिलहाल हम इसके केसेस के नंबर को कम करने में लगे हैं, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा तब इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं हमारी भारत की अर्थव्यवस्था और अभी चल रहे प्रोजेक्ट्स पर भी होगा। लेकिन हमें यहाँ बात करनी है आज से तकरीबन 10 साल बाद की, मतलब धीरे धीरे इतने सालों में ये सब कंपनशेट तो हो ही जाएगा। तो तब कैसा होगा 2030 का भारत? तो सबसे पहली चीज जो आपको भारत में 2030 में देखने को मिलेगी वो होगी बुलेट ट्रेन्स। अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत के बहुत बड़े नेटवर्क में बुलेट ट्रेन्स दौड़ने लगेंगी। इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद रूट से होगी और 2030 तक लगभग हर बड़े राज्य को बुलेट ट्रेन एक दूसरे से जोड़ रही होंगी। मतलब 2030 में आपको दिल्ली से मुंबई या कहीं और जाने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी की हाई स्पीड ट्रेन्स पूरे भारत को कनेक्ट करेंगी। साथ ही अगर बात ट्रेन्स की हुई ही है तो 2030 तक लगभग भारत के हर राज्य में मेट्रो सिस्टम होगा। वैसे तो कई ऐसे राज्य और भारत की राजधानी दिल्ली ऐसी जगह हैं जहां आज ही वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम है, और साथ ही इस वक्त ही 15 से भी ज्यादा शहरों में मेट्रो का काम अभी चल रहा है और 11 से भी ज्यादा शहरों में पहले से ही मेट्रो सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त है। तो फिर जिस रफ्तार से ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पूरे देश में फैल रहा है, ये कहा जा सकता है कि 2030 में पूरे देश में वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम होगा। और अगर मेट्रो सिस्टम की बात आ रही है तो भारत में दिल्ली या इसके आसपास रहने वाले सभी लोग ये जानते हैं कि सड़कों पर कितनी भीड़ रहती है। कभी कभी तो इतना ट्रैफिक रहता है कि एक घंटे की दूरी तक जाने में 5-5 घंटे तक लग जाते हैं, और ये हमारी सरकार को भी पता है। इसलिए सरकार ने कुछ समय पहले गुरुग्राम में पॉड टैक्सी शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। ये पॉड टैक्सी असल में थोड़ी अलग होगी, जो जमीन के बजाय हवा में एक ट्रैक पर चलेगी, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और ड्राइवरलेस होगी तो ना तो इससे कोई पोल्यूशन होगा और ना ही किसी टैक्सी ड्राइवर को सैलरी देने का खर्चा। मतलब इतने से ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 2030 तक हमारी जनसंख्या और बढ़ेगी, शायद हम दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएं। तो ऐसे में सड़कों पर भीड़ और गाड़ियों की संख्या और बढ़ेगी। तो बहुत आसानी से ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि 2030 में आपको लगभग हर बड़े शहर में ये पॉड टैक्सी या फिर हवा में उड़ने वाली यानी एयर टैक्सी देखने को मिलेंगी। मतलब सड़कों से गाड़ियों का भार कम करने के लिए 2030 में आज जैसे आप अपने मोबाइल से अपने लिए टैक्सी बुलाते हो, वैसे ही सिर्फ एक ऐप की मदद से एयर टैक्सी बुला पाओगे। तो फिर जैसे 2030 में भारत की जनसंख्या बढ़ेगी, काफी संभावनाएं भी हैं कि हम शायद दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होंगे। तो फिर उस जनसंख्या के हालात क्या होंगे, गरीबी कितनी होगी, कितने लोग अमीर होंगे, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आप भी जानना चाहते होंगे। तो उम्मीद के अनुसार 80% भारत की आबादी 2030 में मिडिल क्लास फैमिली की होगी, वो लोग जो अपना सबसे ज्यादा योगदान भारतीय जीडीपी में दे रहे होंगे। 2030 तक करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या भारत में और बढ़ेगी, और आज के मुकाबले उस समय गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या काफी कम होगी। लेकिन उनको भी यानी जो उस समय गरीबी रेखा के नीचे होंगे, उन्हें वहां से निकालने में सरकार को 2030 के बाद भी काफी मेहनत और काफी सालों का समय देना पड़ेगा। जो लोग उस समय मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास में होंगे, उनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही अपना करियर बनाएंगे। ये बात हर कोई जानता है कि आने वाला भविष्य टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होगा, जिस वजह से लगभग पूरा इंडिया कैशलेस होगा। आपको सड़कों पर ड्राइवरलेस कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स ही ज्यादातर देखने को मिलेंगी।
भारत की काफी ज्यादा आबादी उस समय ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होगी और कई शहरों में ऐसे स्टोर्स होंगे जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे, मतलब किसी शॉपकीपर या फिर किसी भी व्यक्ति की वहां पर जरूरत नहीं होगी। 2030 तक भारत में कई स्मार्ट सिटीज तैयार हो चुकी होंगी जिनमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों तरह के प्रोजेक्ट शामिल होंगे। वो स्मार्ट सिटीज आज के मौजूदा दुबई या चाइना के शंघाई जैसी ही होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में काफी हद तक डेवलप्ड होंगी, जो कि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में अपना अहम योगदान दे रही होंगी। और यही बढ़ती टेक्नोलॉजी का प्रभाव भारत के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करेगा, क्योंकि उस समय भारत में ना सिर्फ दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स होंगे बल्कि इंटरनेट डेटा और सोशल मीडिया साइट्स पर भी भारतीयों का काफी ज्यादा दबदबा होगा, जिसकी एक झलक आपको आज के समय में भी इंटरनेट में देखने को मिल ही जाती है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव की वजह से उस समय तक टेलीविजन लगभग कुछ ही घरों में सिमट कर रह जाएगा और ज्यादातर सब लोग वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़न प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। अभी के अनुमान के अनुसार तब तक हम मोबाइल में 7G का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो आज के 4G से कई गुना ज्यादा तेज होगा। उस समय के स्मार्टफोन्स भी आज के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस होंगे। उनमें सॉलिड स्टेट बैटरीज का इस्तेमाल होगा जिनकी कैपेसिटी आज के बैटरीज के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा होगी और उनमें ब्लास्ट होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। खैर, आज जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज में चेंजेस और बदलाव आ रहे हैं, 2030 तक ये इंडस्ट्री किस किस तरीके के फोन निकाल सकती है ये शायद आज सोचा भी नहीं जा सकता। तो फिर क्या टेक्नोलॉजी के इतने इस्तेमाल बढ़ने के कारण क्या कुछ नुकसान होंगे? बिल्कुल, नुकसान ये होंगे कि इंसान असली जिंदगी को भूल जाएगा, जो काफी हद तक हम आज भी भूल चुके हैं। उसकी जिंदगी मोबाइल के एक ऐप से शुरू होकर कंप्यूटर के दूसरे सॉफ्टवेयर में खत्म हो जाया करेगी। असल जिंदगी से ज्यादा दोस्त फेसबुक पर होंगे और शायद एक दूसरे से हम सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मिला करेंगे। इसके साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत की काफी अच्छी तरक्की होगी। तब तक भारत अपने पहले इंसान को अंतरिक्ष में भेज चुका होगा और क्या पता हम तब तक मार्स तक भी पहुंच जाएं। भारत के लिए 2030 तक अंतरिक्ष में जाना उतना ही आसान हो जाएगा जितना आसान आज हमारे लिए सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है। तब तक इसरो काफी बड़े मिशंस को अंजाम दे चुकी होगी और हम सूर्य और शुक्र दोनों पर ही अपना मिशंस भेज चुके होंगे। तो फिर ये था एक छोटा सा प्रेडिक्शन 2030 का, उन सभी चीजों को देखते हुए जो आज चल रही हैं। लेकिन अब आप शायद जाते जाते थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में भी जानना चाहते हो कि 2030 में पूरी दुनिया आखिर कैसी होगी। तो सुनिए, अमेरिका 2030 तक अकेली विश्व शक्ति नहीं रहेगी। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक अमेरिका को कई देश टक्कर देंगे, फिर चाहे वो जर्मनी हो या एशिया में चाइना। उम्मीद है कि उस वक्त तक पूरे विश्व की GDP आज से 1.5 गुना बढ़ जाएगी, जिसमें एशियाई देशों की एक अहम भूमिका होगी। दुनिया उस समय तक मार्स पर इंसानों को भेजने में कामयाब हो चुकी होगी, मतलब हम उस सिविलाइजेशन बन जाएंगे जो एक ग्रह से दूसरी ग्रह तक जा सकते हो, अगर आज की SpaceX और कई बड़ी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के विजन को देखते हैं तो। दुनिया की महाशक्ति का ध्रुवीकरण 2030 में पश्चिम से पूर्व यानी एशिया के देशों की तरफ होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी 2050 के बाद तो दुनिया की महाशक्ति कोई एशियाई देश ही बनकर उभरेगा। आपको क्या लगता है कौन सा देश होगा? खैर, अच्छा है हमारे बगल में एक देश है जो एक हफ्ते में हजारों बेड्स का एक हॉस्पिटल तैयार कर देता है, और यहाँ पर कुछ लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि कैसे सरकार की किसी भी काम में अड़ंगा डाला जाए। मैं यहाँ पर किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा, बस कोशिश कर रहा हूँ भारतवासियों को उन्हीं से मिलाने की। गर्व से आज हम कहते तो हैं कि भारत विश्व शक्ति बनेगा, और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है कि अगर जितना पोटेंशियल भारत में है वो सब सही जगह लग जाए तो भारत न सिर्फ विश्व शक्ति बन सकता है बल्कि किसी देश की हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन न जाने किसकी नजर लग गई भारत को, एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उस पर सपोर्ट करने से ज्यादा ये पूछने वाले सामने आ जाते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी। आने वाले भविष्य में महाशक्ति का खिताब कोई एशियाई देश ही लेगा। हम तैयार होना हो, हमारा पड़ोसी चाइना तैयार बैठा है, और अगर आज संकल्प ले लिया तो कोई भी नहीं रोक सकता भारत को भविष्य में विश्व महाशक्ति बनने से। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।